लुभा के बिहारी लाल की जय जय मेरे सदगुरु महाराज की जय मजन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मज मनारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मथुरा में प्रभु जन्म लियो है मथुरा में प्रभु जन्म लियो है गोकुल में पगदारायण हरि हरि गोकुल में श्रीमन नारायण 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 ਬਵ ਸੇ ਤਾਰਾਇਣ 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 ਨਾਰਾਇਣ 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 ਬਵ ਸੇ ਤਾਰਾਇਣ 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 ਵਸੁਦੇਵ ਸੁਤੰ ਦੇਵੰ कंस कंसचाणोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता हाँ जी तो संगत जी हम चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया है इसके हमने तेईस श्लोक तक श्रवण किए थोड़ा सा सारांश लेते हुए आगे बढ़ेंगे पिछले श्लोक में भगवान ने समझाया कि जो मनुष्य अपने आप होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है किसी भी द्वंद में नहीं पड़ता किसी से, से द्वेष नहीं करता जो सफलता और असफलता को दोनों को दोनों समान भाव से देखता है है, और कर्म करता रहता है, किसी भी कर्म के फल में नहीं बंधता, ऐसा ही कर्म योगी मनुष्य कहलाता है ऐसा मनुष्य ही सच्चा कर्म योगी है वो किसी से कुछ मांगता नहीं किसी से उधार नहीं लेता सिर्फ सच्चाई से अपना कर्म करता रहता है जो अपने श्रम से प्राप्त होता है उसी में ही संतुष्ट रहता है और भगवान कहते हैं कि इस तरह वह सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखता है और ये लक्षण तभी दिखते हैं जब उसको दिव्य ज्ञान की अनुभूति हो जाती है कर्मयोगी मनुष्य हमेशा द्वंद्व से मुक्त पड़ता है किसी भी ऐसे द्वंद में नहीं पड़ता इन सब से वो परे रहता है क्योंकि उसके सारे काम भगवान को अर्पित करके ही होते हैं इसलिए वो जो कुछ भी करता है उसका कर्म एक यज्ञ के रूप में होता है और इस तरह ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को फिर कोई भी भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता अब आगे का श्लोक श्लोक क्रमांक चौबीस ब्रह्मापण ब्रह्म हवे ब्रह्मा ब्रह्मणाहुत ब्रह्म तेन ग्यम ब्रह्म इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत अर्थात परम पिता परमेश्वर की भक्ति में पूर्णता लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के योगदान कारण अवश्य ही भगवद्धाम की प्राप्ति होती है क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवी भी आध्यात्मिक होता है हवन अर्थात यज्ञ और हवी का अर्थ है घृत घी तो यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं कि किस प्रकार प्रभु भक्ति में लीन व्यक्ति कर्म करते हुए अंत में आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करता है हवन भौतिक दोबारा से बता हवन यज्ञ कर्म यज्ञ मतलब जब निस्वार्थ भाव से कोई काम करता है तो भगवान ने यहाँ पर उसको भी यज्ञ का ही नाम दिया है तो उसमें हविष्य मतलब घृत भी उसके असत कर्मों का ही होता है भौतिक कलमश से ग्र, ग्रस्त बुद्ध जीवी को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकालना ही होगा तो इस विधि में ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वो, वो ही विधि है परमात्मा का सिमरन तभी वो इस भौतिक वातावरण से बाहर निकल सकता है तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि हे अर्जुन जब मनुष्य की दृष्टि ब्रह्ममयी हो जाती है अर्थात अध्यात्म जैसी हो जाती है तो समस्त जगत में उसको मेरी उपस्थिति को जानने समझने तो वह उसी तरह से जीने लगता है क्योंकि वो जान जाता है कि इस समस्त जगत में परमात्मा की उपस्थिति कहाँ कहाँ है तब उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य यज्ञ में बदल जाता है एक तो हवन यज्ञ होता है जो कर्मकांड में आता है और भगवान यहाँ पर कर रहे हैं कह रहे हैं कि जो प्रत्येक कार्य सत्कर्म है वो भी एक यज्ञ स्वरूप समान है वह स्वयं ब्रह्म सदृश हो जाता है मतलब खुद भी वो ब्रह्म के समान ही हो जाता है और उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य मुझे समर्पित होने के कारण यज्ञ में डाले जाने वाले ग्रत के समान हो जाता है जब कोई सत्कर्म करता है और उसमें वही सत्कर्म आगे डलते चले जाते हैं तो भगवान वही कह रहे हैं कि वो भी भविष्य हो जाते हैं अर्थात वृत का भी काम जो है वो सत्कर्म ही होते हैं एक सुंदर उदाहरण से इसको समझा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति जब छप्पन भोग बनाने का प्रयत्न करता है तो उसे ज्ञात होता है कि भोग बनाने के लिए जो भी अनाज सामग्री है वो सब तो उसको सृष्टि से ही प्राप्त कर रहा है तो सब कुछ तो परमात्मा का ही दिया हुआ है तो वह उस परमपिता परमेश्वर को क्या अर्पण करे क्योंकि सब कुछ उसी ईश्वर का दिया हुआ है और उसी को ही सौंप रहे हैं और जिस जीव को यह बात समझ में आ जाती है कि समस्त प्रकृति में परमात्मा उपस्थित है हर कण में उस परमात्मा का निवास है और ईश्वर के स्वरूप को पहचानने लगता है और उसका जीवन तभी उसका जीवन भी बदल जाता है जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित करके अपने स्वधर्म का आचरण करता है तो उसके द्वारा किया जाने वाला हर कार्य यज्ञ में बदल जाता है कहने का भाव है कि जब उसकी आध्यात्मिक दृष्टि उसके अंदर परम पिता परमेश्वर के लिए जो प्रेम विकसित हो जाता है जब वो अपने भजन सत्संग में ज्यादा उसकी रुचि हो जाती है और यह उसकी बढ़ती जाती है अध्यात्म जब उसका बढ़ता जाता है और तब वो अपने स्वधर्म का जो भी आचरण करता है जो भी कार्य करता है वो एक यज्ञ के समान हो जाता है जिसमें पूरे समाज का ही कल्याण होता है यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ अध्यात्म बताया गया है भगवान भगवान है मतलब भगवान यहां पर पूरी भगवत गीता में भगवान वाचा आया है कृष्ण वाचा नहीं आया क्योंकि कृष्ण देवता स्वरूप है सोलह कलाओं से परिपूर्ण है लेकिन भगवान उस परम शक्ति को बताया गया है भ से भूमि ग से गगन व वा वायु और आ अग्नि और न नीर इस तरह भगवान शब्द जो है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है तो यह आध्यात्मिक तो है सुंदर आपने ये भगवान का जो संधि विषय जो भी इसको बोलते हैं इसका डिटेल जो बता रही है अच्छा भगवान भय थे दोबारा से पढ़ते हैं भय से हाँ, भूमि भ से भूमि हाँ, ग से गगन अर्थात और वह वा वायु से वायु आ, आ से अग्नि अग्नि और न से अर्थात जल तो ये पंच तत्व से मिलकर भगवान बने जिसको अध्यात्म कहा है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं उस भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलती है जो किरणें निकलती हैं वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है यही उनका आध्यात्मिक तेज है प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है ढक जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है जैसे मानुष चोला हमारे अंदर भी परमात्मा का ही स्वरूप है परमात्मा विराजमान है अंश हम भी परमात्मा के एक भिन्न अंश है लेकिन इंद्रिय तृप्ति और मोह माया के कारण वो ढकी रहती है यह भौतिक आवरण परमेश्वर की भक्ति द्वारा ही हटाया जा सकता है मतलब आत्मज्ञान तभी होगा जब वो परमपिता परमेश्वर की भक्ति करेगा कि हम कौन हैं कहाँ से आए हैं हमारा परमपिता परमेश्वर से क्या संबंध है तभी ये परमेश्वर की भक्ति द्वारा ही इसको मोह माया के आवरण को हटा सकते हैं इसलिए कृष्ण बामना के लिए अर्पित हवे ग्रहण करता हवन होता तथा फल ये सब ब्रह्म या परम सत्य है माया द्वारा परम सत्य पदार्थ कहलाता है जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त तो फिर उसमें आध्यात्मिक गुण आ जाता है थोड़ा सा गहरे इसमें भाव है पर कहने का भाव है कि जब तक हम मोह माया में हैं, हम एक पदार्थ स्वरूप हमारा आत्मा रहती है लेकिन जब उस आत्मा का हमें ज्ञान हो जाता है परम सत्य का ज्ञान हो जाता है तो फिर मन के अंदर वो अध्यात्म गुण उत्पन्न हो जाता है कृष्ण भावनामृत जनित चेतना को ब्रह्म या परम ब्रह्म या परमेश्वर मुख करने की यही विधि है कि परमात्मा का सिमरण किया जाए उसे हर क्षण याद किया जाए जब बन परमात्मा की भक्ति में पूरी तरह निमग्न हो जाता है तो उसे समाधि कहते हैं ऐसे दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है आध्यात्मिक चेतना की ऐसी ही स्थिति में योगदान करता योगदान उपभोग यज्ञ करता तथा अंतिम फल ये सब पर में एकाकार हो जाते हैं मतलब करने वाला योगदान करने वाला और ये खुद उपभोग करने वाला ये सब पार में मिल जाते हैं और यही परमात्मा के भक्ति की भी विधि है अगला श्लोक यज्ञम परे उपास ब्रह्मा परे यज्ञ नियुती कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं अर्थात कुछ मूर्तियों की पूजा करते हैं देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ जो है निराकार उस पार ब्रह्म की पूजा करते हैं उसकी उपासना करते हैं तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उषमा प्रदान करने जल देने तथा प्रकाश प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वो वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं ऐसे लोग ब्रह्मवादी कहलाते हैं किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं उस परम पिता की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व को अपने अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेते हैं ऐसे निषेधवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं किंतु पर ब्रह्म के कारण अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं अर्जुन जैसे कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है उसी तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है इसीलिए कृष्ण यहाँ पर अर्जुन एक परम योगी है किंतु उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता शब्दों में इसको समझा जाए तो भगवान कहते हैं कि हे hey, अर्जुन इस प्रकृति में असंख्य यज्ञ देवताओं के लिए नित्य ही संपन्न होते रहते हैं कई ज्ञानी कर्म इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में संलग्न रहकर मेरी पूजा करते हैं परंतु फिर कुछ कुछ ऐसे भी योगी हैं जो अपने ज्ञान यज्ञ में ध्यान में लगे रहते हैं वे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मुझे आहुति प्रदान करते हैं इस तरह से वे ध्यान यज्ञ के द्वारा मुझे ही प्राप्त होते हैं मतलब कुछ लोग ध्यान द्वारा सत्कर्मो द्वारा परमात्मा का भजन करते हैं और कुछ जो है यज्ञ द्वारा जो पूजा करते हैं देवताओं की वो भी मुझे ही अर्पण होती है इस तरह से वे ध्यान यज्ञ के द्वारा मुझे प्राप्त करते हैं यहाँ पर यह बताया गया है कि यज्ञ से जीवन पवित्र और शुद्ध होता है आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे ओम श्री कृष्ण अर्पण मस्तु जी सीताराम 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 बोल रे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे काहे प्राणी भटक रहा है काहे प्राणी भटक रहा है जीवन है अनमोल रे सीताराम सीताराम ई तरम बोल रे जिसको समझे ये जग अपना वो एक दर्शन मेला अंत काल पछताएगा जब जाएगा तू अकेला सुंदर तन पे दाग लगाया सुंदर तन पे दाग लगाया मैली चादर ओढ़ रे

बिहारी लाल बिहारी लाल की जय राधा रानी महाराज जय बहुत सुंदर थैंक यू संगीता जी थैंक